खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़ शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो तमाम बड़े बड़े नेता आज इस मंच पर हमारे साथ मौजूद थे, तीखे सवालों के जवाब भी नेताओं ने हमारे दिए और अब इस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहले मैं तारुफ करा देती हूँ मेहमानों से आपका। मेरे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, रायपुर साउथ से बीजेपी के विधायक भी हैं और पिछली सरकार में गृह मंत्री, कृषि मंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और दूसरी तरफ इस समय सरकार में मौजूद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसानों के बहुत सारे सवाल आज हम जवाब लेंगे रविंद्र चौबे जी से। तो जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत कीजिए मेहमानों का और फिर हम सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। बृजमोहन जी, वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं, इस समय आप विपक्ष में हैं और क्योंकि एक साल सत्ता पक्ष का पूरा हो गया है तो सवाल करने का हक किस समय आपका है। तो पहला सवाल मैं आप ही से ले रही हूँ। आपने कहा कि आइलैंड ऑफ पीस जो है वो क्राइम हब बन गया है, क्या आधार है? फिर जवाब मैं ले लूंगी रविंद्र चौबे जी से। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ को ये माना जाता था कि अगर नक्सलवाद को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है। आज छत्तीसगढ़ में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को, बच्चियों को जलाया जा रहा है और ये शायद ऐसी घटनाएं कहीं दिल्ली, बंबई, हैदराबाद में होती तो हंगामा खड़ा हो जाता। आज छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं हो रही है, पूरी सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी हुई है और सरकार का कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारी हैं उनको ताश के पत्तों की तरफ फेंटा जा रहा है। छह महीने से ज्यादा कोई एसपी नहीं होता है, कोई थानेदार नहीं होता है, तो कैसे कानून व्यवस्था संभलेगी? और मेरा तो कहना है कि सरकार को एक साल में अगर वो इस प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो अब सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो शांति का प्रदेश था आज वहां पर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। लगभग बलात्कार और हत्या की 700 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और उस 700 से ज्यादा घटनाओं में 200 घटनाएं सिर्फ रायपुर शहर में हुई है, राजधानी में जहां पूरी सरकार बैठी है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक मामला है। ठीक है बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं जवाब लूंगी रविंद्र चौबे जी से इस आरोप का जो आपने आंकड़ा पेश किया, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण। लेकिन मेरा सवाल पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ बढ़ रहा था, इतना अपराध बढ़ रहा था और आप विपक्ष में बैठे थे, एक भी प्रोटेस्ट हमने तो आपकी तरफ से नहीं देखा, तो कैसे ये मान लें कि आप बहुत सीरियस थे इन सब चीजों को लेकर? आपकी जानकारी में नहीं है। ये पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जिस सरकार के 2 महीने के बाद ही आंदोलन शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 महीनों में 11 बार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं और उन आंदोलन कर विधानसभा में हमको एक ही विषय में 2-2 बार स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा, हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ा और लगातार बीजेपी शांत नहीं बैठी है। जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं और जो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, उसमें क्या सच्चाई है? और आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि इस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, हब जो बन गया है, ये क्राइम हब बन गया है छत्तीसगढ़, क्या जवाब आप देंगे? माननीय बृजमोहन जी को बधाई भी दूंगा। अभी इनका विपक्ष में ट्रेनिंग पीरियड है, लगभग 15 साल हुकूमत में रहे हैं। आवाज गिनती कर रहे हैं कि 11 महीने में उन्होंने 11 बार धरना दिया। स्वाभाविक है अभी लंबे अरसे तक इनको धरना देना पड़ेगा और ठीक से ट्रेन होना पड़ेगा। जहां तक सवाल है क्राइम का, छत्तीसगढ़ पहले भी शांति का टापू था और आज भी शांति का टापू है। बस्तर के नक्सल घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, कमोबेश सारे देश के आजकल तो मीडिया का जमाना है, हम लोग देखते हैं जहां भी अखबारों में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में जो क्राइम का रेट है वो अन्य राज्यों की तुलना में, अब देश में हुकूमत करने वाले लोग, अन्य राज्यों से आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्षेत्रफल की भी तुलना करनी पड़ेगी ना। तो छत्तीसगढ़ को आप बहुत छोटा स्टेट मानते हैं? मैं छोटा स्टेट नहीं मानती। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का 9वां राज्य है छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की तुलना में, कि अगर आप क्राइम रेट से उसको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन तो क्षेत्रफल का भी होगा ना। इसलिए माननीय बृजमोहन जी, जो राजधानी की कुछ घटनाओं को लेकर समूचे छत्तीसगढ़ के बारे में जो इनकी कल्पना है या इनकी धारणा है, आज बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़। कानून व्यवस्था की स्थिति कोई खराब नहीं है, यहाँ की जनता बेहद संतुष्ट है,
उनके लिए जो वायदे किए गए थे छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, वो सब कुछ हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनता पूरी तरह संतुष्ट है। जो प्रदर्शन आपका विधानसभा में रहा, वो प्रदर्शन आप लोकसभा में नहीं कर पाए, तो क्या जनता ने अपनी नाराजगी नहीं जताई उस मैंडेट के जरिए? स्वाभाविक है, सारे देश में जब निर्णय हुआ, छद्म राष्ट्रवाद की दिशा में जिस तरीके से लोगों ने उस समय फैसला किया, छत्तीसगढ़ का भी निर्णय हमारे खिलाफ रहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 3/4 से अधिक हम लोगों को जनता ने दिया, और केंद्र सरकार को भी जब बनाने की बात आई तो हमारे यहाँ ज्यादा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता, न केवल देश की जनता, अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। जो वायदे किए गए थे, मैं चूंकि कृषि विभाग का मंत्री हूँ, हम लोगों ने देखा था जो वायदे किए गए थे केंद्र सरकार बनाने के समय, केवल राष्ट्रवाद की बात नहीं थी, किसानों से भी वायदा किया गया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात कही गई थी, सारे जो फसल है, अनाज है किसानों को, उसकी दुगना करने की बात कही गई थी, सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात कही गई थी, इनपुट कम करने की बात कही गई थी, लागत मूल्य में सब्सिडी देने की बात कही गई थी। लेकिन अब जनता महसूस कर रही है कि जितनी बातें केंद्र की सरकार बनने के समय आपने कहा था, एक भी पूरा नहीं हुआ। तो फैसले तो आए, प्रजातंत्र में इसको हम स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र में ये सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जनता को उम्मीदें थी, दोनों सरकार से दो प्रकार की उम्मीदें थी, हमने जो कहा था हमसे लोगों अपेक्षाएं की थी, उनने जो कहा था उनसे लोगों ने अपेक्षाएं की थी। अब जनमत के बीच में अगर आप जाएंगे तो लोगों को लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कहा था सो किया, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा था अभी करने की शुरुआत नहीं हुई है। आप एक बहुत बड़ा आरोप कृषि मंत्री के रूप में ये भी आपकी सरकार लगा रही है कि आप किसानों को उचित वो देना चाहते हैं, जिसे कहा जाए न्यूनतम रेट, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं है। आप 2,500 रुपए देना चाहते हैं लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए आप वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं दोनों से ही आपसे ये सवाल है कि वादा खिलाफी, चाहे आप सत्ता में रहे हों चाहे आप सत्ता में अब इस समय हों, किसानों के साथ तो धोखा हो रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं, ना हमने कभी कहा। सवाल आप ही उठा रहे हैं, भूपेश बघेल ने ये सवाल उठाया कि मैं देना चाहता हूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन मोदी तैयार। केंद्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ धान उत्पादक पूरा प्रदेश है, हमारी पूरी इकोनॉमी धान पे आधारित है। केंद्र सरकार ने सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ाया इस साल, केवल 65 रुपया। अभी भी मोदी जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 1,815 रुपया ही सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, और दुर्भाग्य इस देश का, जहां भाजपा की हुकूमत है झारखंड, वहां किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 1,100 रुपया मिल रहा है। हम 2,500 रुपया देना चाहते हैं, दे रहे हैं 1,850। पिछले साल हमने दिया, इस साल भी हम देंगे, अपने संसाधनों से देंगे। हम उसका आग्रह नहीं कर रहे हैं केंद्र से, ना हम पैसा भी नहीं मांग रहे। हम आग्रह कर रहे हैं कि हम जब धान कस्टम मिलिंग करेंगे, चावल का उपार्जन होगा, हमारे चावल का खपत करना है। केंद्रीय पूल में FCI हमारा चावल खरीदे। आप पंजाब का चावल खरीदते हैं, आप तमिलनाडु का चावल खरीदते हैं, आप बंगाल का चावल खरीदते हैं, आप छत्तीसगढ़ का चावल क्यों नहीं खरीदेंगे? प्रश्न इस बात का है, छत्तीसगढ़ का आप कोयला लेंगे, यहाँ का बिजली लेंगे, यहाँ का सीमेंट लेंगे, यहाँ का लोहा लेंगे, और यहाँ के किसानों ने जो धान उत्पादन किया है उसका चावल आप नहीं लेंगे? तो ये जो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव है, हम इसी को दूर करना चाहते हैं। जवाब दीजिए ब्रजमोहन अग्रवाल। बिजली लेंगे, कोयला लेंगे, जो काम की चीजें हैं वो लेंगे, लेकिन किसानों की मदद के लिए चावल नहीं लेंगे। बड़ा आरोप। अगर छत्तीसगढ़ का बिजली, कोयला, सीमेंट पूरे देश में नहीं खपेगा तो छत्तीसगढ़ कंगाल हो जाएगा। यहाँ GST नहीं मिलेगी, यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को किस बात की तुलना किस चीज से करना है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर पैसा नहीं आएगा, यहाँ की बिजली नहीं बिकेगी, कोयला नहीं बिकेगा, सीमेंट नहीं बिकेगा, लोहा नहीं बिकेगा, तो यहाँ पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से आएगा, छत्तीसगढ़ के विकास कहाँ से होगा? ये बड़ी सोच, बहुत छोटी सोच है। ये संघीय ढांचा है, देश का ढांचा है, देश के बारे में सोचना चाहिए। और इतनी सोची सोच के कारण ही ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर पा रही है। जहां तक धान का मामला है, ठीक है, धान के लिए आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने वादा किया कि 2,500 रुपए में हम धान खरीदेंगे। खरीदिए, कौन रोक रहा है?
केंद्र सरकार ने कोई वादा तो आपने भी किया था कि एक एक दाना हम धान का खरीदेंगे, आपने भी तो नहीं खरीदा, तो वादा खिलाफी। हमने जो कहा हमने खरीदा। 15 साल तक बीजेपी की सरकार में धान की खरीदी को लेकर एक आंदोलन नहीं हुए। आज पिछले 15 दिनों से पूरा छत्तीसगढ़ का किसान धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो रोड जाम कर रहा है, तहसीलदार को बंद कर रहा है। सिर्फ इसे ये सरकार जो है 2500 रुपए खरीदने का वादा तो कर दिया, पर अब वादा खिलाफी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। रोज नए नए आदेश निकल रहे हैं। तो आपकी जब सत्ता थी तब भी परेशान था और आज भी परेशान नहीं है। नए नए आदेश रोज निकल रहे हैं। इनके चीफ सेक्रेटरी को जाकर समझाना पड़ता है, इस आदेश का पालन मत करिए। मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को फील्ड में भेजना पड़ता है। ये पूरी तरह सरकार फेल हो गई है। ये सरकार का नियंत्रण पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी पर समाप्त हो गया है। शासन प्रशासन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। सिर्फ पूरी सरकार राजनीति करने में लगी हुई है और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। ये सच्चाई है, हम राजनीति कर ही रहे हैं। और ये भी सच्चाई है, माननीय बृजमोहन जी ने स्वीकार किया कि संघीय ढांचा है। आप कोयला, लोहा, सीमेंट, बिजली नहीं बेचेंगे तो पैसा कहां से आएगा? जीएसटी का छत्तीसगढ़ सरकार का अभी भी 1000 करोड़ रुपया बकाया है, नहीं दे रही केंद्र सरकार। और जब आपको इतना पहले इस बात का जवाब कि क्या जब इनकी सत्ता थी, मुझे तो पता है कि उस समय भी किसानों के बहुत आंदोलन हुए, एक एक दाना धान खरीदने की जो बात की तो वादा खिलाफी क्या इन्होंने भी की थी जो आप भी। मेरा उत्तर सुन लीजिए। अभी आपने कहा संघीय ढांचा है, ये बेचेंगे नहीं, वो खरीदेंगे। हम तो चावल भी देने की बात कह रहे हैं। आप बिजली खरीद सकते हैं, सीमेंट खरीद सकते हैं, कोयला खरीद सकते हैं, और संघीय ढांचा में आप हमारा चावल नहीं खरीदेंगे, पहली बात। और दूसरी, आप बोलिए ना, हम बिजली नहीं देंगे देश को, आप बोलिए हम सीमेंट नहीं देंगे देश को, आप बोलिए हम कोयला नहीं देंगे। आप अगर ये जिस दिन बोल देंगे उस दिन छत्तीसगढ़ की हालत क्या होगी जरा आप देखिए। आप ये बोल के देखिए ना, जैसे आप चावल के लिए बात कर रहे हैं वैसे आप बोल के देखिए कि हम लोहा नहीं देंगे, हम सीमेंट नहीं देंगे, हम बिजली नहीं देंगे, फिर छत्तीसगढ़ कहां जाएगा? हम अभी कह रहे हैं कि हमें चावल देना है। छत्तीसगढ़ के 14 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप छत्तीसगढ़ का चावल खरीदिए, आप क्यों नहीं खरीदते? और जहां तक इनके वायदा खिलाफी की बात आपने कही, इन्होंने कहा था हम 270 का बोनस देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 300 रुपया बोनस देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2100 रुपया हम सपोर्ट प्राइस देंगे, नहीं दिया। 3 बार लगातार इन्होंने धोखा दिया। और हमने कहा था 2500 रुपया देंगे और पिछले साल भी दिया, और जब तक किसान हमको आशीर्वाद देंगे हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2500 रुपया देंगे और अपने संसाधनों से देंगे। ठीक है, अब आपने, हमने किसानों की बात करी, अब मैं आना चाहती हूँ राम के मुद्दे पर। आप कहते हैं, आप ही का बयान है कि जो बीजेपी के राम है वो अलग है और हमारे राम अलग है, हमारे कौशल्या के राम है। देखिए राम तो एक ही है। देखिए, आप लोग अपने वोट के लिए उन्हें बदल दें तो वो बात अलग है। ये छत्तीसगढ़ की धरती है। राम जी का ननिहाल है। यहाँ के कणकण में राम है। लेकिन जिस बात को मैंने विधानसभा में कहा था, जिस पे आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं अभी भी उसमें कायम हूँ। ये वो राम नहीं है। दंगे के लिए राम, धंधे के लिए राम, चंदे के लिए राम, वोट के लिए राम, नोट के लिए राम, चोट के लिए राम, पूरे देश को विभाजन करने के लिए राम। राम हमारे गरीबों के राम है, सबरी के राम है, बेर खाने वाले राम है, जाके जंगलों में वनवासियों को गले मिलाने वाले राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। छत्तीसगढ़ की धरती में हम उस राम को जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान उस राम को जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आज तक क्या किया? रामशिला पूजन करा के नोट, राम का नाम लेकर के भेदभाव का पूरे देश में वातावरण, विभाजन का काम, ये इस देश में नहीं चलने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल जी, जिस राम की राजनीति आपने हमेशा की, राम मंदिर की राजनीति आपने की, यहाँ आपकी धरती पर इतने लंबे समय तक सरकार आपकी रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो कौशल्या माँ का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार आपके दिमाग में कभी नहीं आया, जो अब कांग्रेस सरकार करने जा रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने हमेशा सियासत की उस मुद्दे का अपहरण, उस मुद्दे पर अब कांग्रेस खेल रही है? कांग्रेस ने तो 50 साल में देश के लोगों को ये भी नहीं बताया कि ये माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का ननिहाल है। अगर इस बात को पूरे देश को और पूरे छत्तीसगढ़ को किसी ने बताया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया। पर्यटन के मामले को लेकर अगर चंदखुरी को, लेकिन अब कॉरिडोर,
राम के वनवास वाला जो वो पूरा कॉरिडोर उसको एज इट इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रभु राम के वन गमन मार्ग को आइडेंटिफाई हमने किया, उसकी पांच जगह प्रदर्शनी लगवाई, देश के वरिष्ठ लोगों को बुलवाया, उन्होंने देखा और प्रभु राम की चंदखुरी में जो कौशल्या माता का मंदिर है उसकी पहली बार जीर्णोद्धार का काम हमने किया पूरे फोल्डर में छपवा कर। तो फिर आप क्यों क्रेडिट ये जो है ये तो आप पिछलग्गू है, ये तो पिछलग्गू है। हमने जिस काम की शुरुआत की उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पर्यटन के पोस्टर और फोल्डर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को पर्यटन के मामले में देश और दुनिया में कोई जानता नहीं था। छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। अगर उसको किसी ने जनवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने जनवाया और हमने 15 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपए इन पर्यटन स्थलों पर खर्च किए हैं। इन्होंने एक साल में 5 करोड़ भी खर्च नहीं किया। कितना अच्छा होता अगर ये राजनीतिक दल जितना आप लोग कहते हैं कि हमने इस धर्म के लिए ये किया, हमने ये किया, अगर इतना आप लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दे दिया होता देश की, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। देश में जितने पैसे आप मूर्तियों पे लगा रहे हैं, जितने पैसे आप टूरिस्ट उस पे लगा रहे हैं, वो गरीब बच्चों की शिक्षा पे लगा दीजिए, देखिए हमारा देश देर नहीं लगेगी। पहले तो आपने राम के बारे में पूछा, सारा देश देख रहा है। मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मुझे ताज्जुब भी हुआ कि ब्रिजमोहन जी जैसे हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। हमें पहली बार सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यहाँ बैठे हुए 75% लोगों को नहीं मालूम था और ये पढ़े लिखे लोगों को जो पर्यटन में पैसा खर्च करते हैं उनको बताने का काम हमने किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कण कण में ये खुला हुआ। समय कम है और मैं राम कण कण में छत्तीसगढ़ के कण कण में प्रभु राम है, नहोदा रामायण है, गांव गांव में है, पर छत्तीसगढ़ यहाँ बैठे हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं मालूम था कि वो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। यहाँ कौशल्या माता की जन्मभूमि है। ब्रिजमोहन जी, लोगों को सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए मंदिर पे भी बात हो गई, आपका कौन सा मुद्दा हाईजेक हुआ हमने उस पर भी बात कर ली। मेरा जो सवाल है, नागरिकता संशोधन जो कानून है उसका क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस? विरोध और पक्ष का सवाल नहीं है इस देश में। क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को हमको बताने का क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं? वो तो एनआरसी है, नागरिकता संशोधन कानून जो है वो ये है कि अगर तीन देशों से जो लोग आ रहे हैं उनको हम नागरिकता देने धर्म के आधार पे। भारत का संविधान क्या कहता है? धर्म के आधार पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आपके एक कानून से पूरा असम जल रहा है, दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में आंदोलन हो रहे हैं। आप देश को क्या देना चाहते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं आप? क्या हिंदुस्तान जो शांति और हम लोग पूरे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं इसी प्रकार से हमारा देश चलेगा? ये सब चलने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर पहली बार, मतलब आजाद भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता, पहली बार धर्म के आधार हमारे पर सेकुलर कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़। हमारा सेकुलर कैरेक्टर है और रहेगा। जहाँ पर हिंदुइज्म है, जहाँ पर हिंदुओं की बाहुल्यता है, वहाँ सेकुलरिज्म को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उदारता ही हिंदुइज्म की परिभाषा है। और आज ये जो बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को वोट की राजनीति के लिए धर्मशाला बना दिया, देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई तीन देशों के दो देशों के लोग आकर यहाँ पर रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं, ये तो सवाल और रहा है कि पूरे विश्व में हिंदुओं की बात कर रहे हैं, पहले अपने देश के पूरे विश्व तो में पूरे विश्व में बाकी धर्मों के मुस्लिम धर्म को मानने वाले कितने देश हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले कितने देश हैं, हिंदू धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदुस्तान है। अगर हिंदुओं को यहाँ पर भी पनाह नहीं मिलेगी, यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी, तो फिर विश्व के किस देश में मिलेगी? किसी देश में उनको नागरिकता नहीं मिलती है, सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम यह सरकार कर रही है, मतलब जिस 70 सालों में तुष्टिकरण, 70 सालों में जैन सिख ईसाई ये तो शरणार्थी हो जाएंगे आपके देश में आकर, शरणार्थी जो मुसलमान आएगा वो घुसपैठिया हो जाएगा। वो शरणार्थी नहीं होंगे, वो शरणार्थी नहीं होंगे, वो भी इस देश के नागरिक होंगे। और हमारे जो मुस्लिम यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी इस देश के नागरिक होंगे। उन मुस्लिमों के जो रिश्तेदार आएंगे वो भी इस देश के नागरिक होंगे। परंतु जो घुसपैठ कर आएंगे, जो
बेनामी तरीके से आएंगे वो जो है वो लेकिन जब आप एनआरसी लागू कर देंगे तो बहुत से हिंदू भी आपके घुसपैठिए हो जाएंगे और उनको तो आप नागरिकता दे देंगे क्योंकि आपने कानून बना दिया। एकमात्र धरती यही है, उनका रिलीजन यही है, उनकी रिश्तेदारी यही है, उनकी जो जड़ें हैं वो यहीं पर है और जिनकी जड़ें हैं वो अपनी जड़ों की तरफ वापिस आ रहे हैं तो उनको हम नहीं जोड़ेंगे तो किनको जोड़ेंगे। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं जी उसके उससे ध्यान हटाने के लिए अर्थव्यवस्था ये सबसे बड़ा आरोप ये है। ये सबसे आरोप नहीं है, यही देश में सच्चाई है। आप नौजवानों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे, आप उद्योगों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे, आप किसानों के लिए एक तो भी काम नहीं तो कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी भी तो उस तरीके से आंदोलन या उस तरह से प्रोटेस्ट या उस तरीके की कहा जाए कि जनता को नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना। बात की असली मुद्दा क्या है? आप ही ने दिखाया 77 के बाद लोगों ने कहा कि रामलीला मैदान में जो प्रोटेस्ट हुआ तो कांग्रेस का अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। राहुल जी प्रियंका जी ने जो शंखनाद किया है आने वाले समय में देखिएगा पूरे देश की जनमत कांग्रेस के पीछे खड़ी होगी इस सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो चलिए ठीक है और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो जो भी विपक्ष में बैठे वो जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाए और अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए देश पर और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप दोनों ही लोगों का। बहुत बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया, हमारे लिए समय निकाला।